इंसान हमेशा ही क्रिएटिव रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करना एक इंसान की आदत रही है। कभी कोई ऐसी घटना इंसान के जीवन में आती है जो उसकी प्रेरणा बन जाती है, और वही प्रेरणा उस इंसान का एक शौक बन जाता है। ऐसा ही वाक्य देखने को मिला है नूरपुर के वन परिक्षेत्र अधिकारी पद से सेवानिवृत्त कृष्ण उप्पल का। कृष्ण उप्पल ने बताया कि जब वह छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो वह अखबार में कुछ ऐसे लोगों को देखते थे जिन्हें कुछ विशेष वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक होता था। उन्हें लगा कि ऐसा क्या विशेष हो सकता है जिसे करके वो कुछ अलग साबित कर सके। तभी उन्हें अपने पिता से कुछ पुराने सिक्के मिले। उन पुराने सिक्कों से प्रेरित होकर उन्होंने इसी प्रकार के पुराने सिक्कों को इकट्ठे करने का शौक पाल लिया। इनका शौक देखकर इनकी माताजी के पास भी कोई पुराने सिक्के थे, वो पुराने सिक्के उनकी माता ने उन्हें दे दिए। उसके बाद जहाँ कहीं भी उन्हें कोई ऐसा सिक्का दिखता जो एंटिक था, वह उसे अपने संग्रह में इकट्ठा कर लेते। उसी का परिणाम है कि उनके संग्रहालय में आज सैकड़ों के हिसाब से ऐसे सिक्के मौजूद हैं जो शायद हमने आज से पहले कभी देखे ही नहीं थे। इन सिक्कों में कुछ ऐसे सिक्के हैं जिन्हें नानकशाही सिक्के कहा जाता है, जिनमें गुरु नानक देव की आकृति है। आज के समय में उनके पास न केवल भारत बल्कि विदेशों के भी कई सिक्के मौजूद हैं। इन सिक्कों के साथ ही उनमें एक और शौक है कि अगर उन्हें किसी लकड़ी में कोई विशेष आकृति दिखे, तो वह उसको हल्का सा तराशने के बाद उसके भीतर से नई आकृति को जन्म दे देते हैं। कृष्ण उप्पल की माने तो हर इंसान को जीवन में कुछ ऐसा करने का लक्ष्य बनाना चाहिए जो विशेष हो और उससे औरों को भी प्रेरणा मिले। जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे घर में जो न्यूज़पेपर आता था, जब मैं उसमें देखता था, कई लोगों ने अपने अपने शौक उसमें दिए होते थे कि मैंने ये इकट्ठा किया, मैंने ये इकट्ठा किया, तो मेरे को भी उससे ये प्रेरणा मिली कि तू भी कुछ कर। तो मैंने सोचा भी अब मैं क्या करूं, तो मेरे को सिक्के मिले कुछ पुराने मेरे पिताजी से, जो पिताजी ने मेरे को पुराने सिक्के दिए, और मैं सिक्के ऐसे मेरे को सिक्कों की आदत पड़ गई इकट्ठे करने की। मेरे को कहीं से भी कोई पुराना सिक्का मिल जाता था, मैं उसको अपनी कलेक्शन में रख लेता था। और कुछ सिक्के उसके बाद जब मेरी माताजी ने देखा कि ये सिक्के इकट्ठे कर रहा है, तो उन्होंने भी अपने रखे हुए थे जो पुराने सिक्के निकाल के, जो आज भी मेरे पास मेरे संग्रह में पड़े हुए हैं, और उसमें कुछ सिक्के ऐसे हैं जैसे नानकशाही सिक्का है। नानकशाही सिक्का जो है उसमें गुरु नानक देव की मूर्ति और उनके पोड़ और बाला मर्दाना दोनों की मूर्तियां हैं जो मैंने संभाल के रखे हुए। और कुछ सिक्के मुझे बाहरले देशों को भी मिलते रहे और जो मैं अपने संग्रह में इकट्ठे करता। इसी प्रकार आज मेरे पास मेरे संग्रह में सैकड़ों इकट्ठे हो गए हैं, जो कि एक मिसाइल है। धन्यवाद। इसके अलावा भी आपके पास कोई चीज का शौक है? इसके अलावा मेरे को एक ड्रिफ्ट फूड का शौक है, जो कि मैं जहीं कहीं जाता था, मेरे को कहीं कोई लकड़ी का पीस ऐसा मिल जाता था जिसको मैं देखता था कि ये चीज़ इसमें कुछ निकल सकती है, तो वो मैं उठा के ले आता था। वो घर में ला के उसको मैं अपने औजार रखे हुए थे उनसे मैं उनको तराश करके जो मूर्ति निकलती थी वो बना देता। उसमें मैंने मेरे पास एक कुत्ता बना पड़ा हुआ है, एक मुर्गा बना पड़ा हुआ है, बारह सिंगे के सिंह बने पड़े हुए हैं, एक टेबल बनाया था मैंने। ये सब मेरे को शौक के कारण ही पैदा हुआ। और कुछ पुरानी चीज़ें मैंने संभाल के रखी हैं जो कि मेरे पास आज भी संग्रह में। पुराने टाइमों में एक पानी देने के लिए जैसे आज स्टील के जग या शीशे के जग हैं, वो एक पीतल का जग होता था, पीतल और तांबा मिक्स होता था उसमें, उसको उस टाइम सरवा बोलते थे हमारे यहाँ लोकल भाषा में। और कुछ पुराना हुक्का जो मेरे पास घर में पड़ा हुआ, पता नहीं मेरे बुजुर्ग कौन पीते थे, क्योंकि मेरे पिताजी तो नहीं पीते थे, तो पड़ा हुआ था, वो भी मैंने अपने संग्रह में रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ पुराने टाइम की एक पीतल की दवात जिसमें शह वगैरह रखते थे वो पड़ी हुई है, वो भी मैंने अपने संग्रह में रखी हुई है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव,
मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goelmotor.com पर।